विजय हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर विजय पाल ने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अलवर के कुएं जौहर बावड़ियों को रिचार्ज कराने की मांग की। डॉक्टर विजय पाल ने बताया कि अलवर शहर के गिरते भूजल स्तर के संबंध में कलेक्टर को दिए पत्र के 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी पत्र का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब हासिल नहीं हुआ। पिछले दिनों में हुई बारिश का लगभग 124 मिलीमीटर मीठा पानी व्यर्थ नालों में बह गया। यदि वह पानी अलवर के कुएं बावड़ी और जौहड़ में जाता तो धरती रिचार्ज होती, जिससे अलवर का गिरता भूजल स्तर कई प्रतिशत बढ़ जाता। लेकिन जनता व प्रशासन उदासी के चलते बारिश का पानी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ज्ञापन के माध्यम से मानसून में होने वाली बारिश से पहले अलवर के कुएं बावड़ी जौहड़ और बांधों को रिचार्ज करने के लिए जल्द ही कोई पहल की जाए, जिससे भविष्य में जल संकट से उभरा जाए। जो पानी रिचार्ज के लिए मैं पिछले 4 साल से यहाँ घूम रहा हूँ कि पानी रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। यदि बरसात का पानी आप देख रहे हैं हर साल बह के चला जाता है, और ग्राउंड वाटर से हम निकाले जा रहे हैं बोरवेल लगा करके, पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच गया। जैसे चेन्नई में ग्राउंड वाटर लेवल 0 हो गया है, ऐसी स्टेज यहाँ भी आने वाली है सर, बहुत और बहुत लंबे समय नहीं लगने वाला। इस साल आप देख रहे थे थोड़ी बरसात आ गई, इसलिए थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया, अन्यथा इस बार धक्के मुक्के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और बहुत सिंपल है, मैं लोगों को करके बता रहा हूँ। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जितने भी पुराने कुएँ हैं, जोड़ हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको पानी रिचार्ज कराया जाए। प्रताप डैम पड़ा हुआ है, वो अपना इतना बड़ा डैम था जो ड्राई हो गया, उसका अतिक्रमण करके लोगों ने, ऐसे ही अखीपुरा में एक जोड़ है, उसके लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं हम कि उसमें जो 60 एयर जमीन थी 30 एयर खाली है, 30 पे कब्जा कर लिया, 30 जो खाली है उसको कम से कम गहरा कर दिया जाए। एक कुदनपुरी है जो सूर्यनगर में, वहाँ पे एक जोड़ है, वहाँ उनको गहरा कर दिया जाए। इसके प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी मैंने 15 दिन पहले भी एक ज्ञापन दे गया था, आज फिर वापस ज्ञापन दे के देने आए हैं। EDMCT साहब को भी मैं अभी बात करके आया हूँ कि पानी रिचार्ज, और सब हम जन जागृति भी कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपने छत का पानी जमीन में डाले। आप अभी यदि देखना चाहते हो तो स्टेशन रोड गौशाला पे 5 कुएं अभी बनाए रिसेंटली, आप जाके देख सकते हो। मिलिट्री हॉस्पिटल में हमने बनाया है, वो उन्होंने बनवाया है, वो देख सकते हो। सरकारी हॉस्पिटल की पार्किंग है, IEM हॉल के अंदर 3 कुएं बनवाए, पूरे भर गए थे, पूरा पानी पी गए। बनते हुए डॉक्टर विजय पाल यादव।